स्वागत है आपका रेणु सूर जंक्शन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे मसाला मशरूम करी, जो कि मशरूम की सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका है। उसके लिए मशरूम को अच्छे से 3-4 बार नमक वाले पानी में धो लिया है और इस तरीके से हम टुकड़ों में काट लेंगे। तो बड़े मशरूम को 4 टुकड़ों में काटा है और छोटे वाले को 2 टुकड़ों में। अब कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हो खाने में, और 1 चम्मच जीरे का तड़का। जब ये तड़का पक जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 प्याज को इस तरीके से पतले लंबे टुकड़ों में काट कर। वैसे तो मशरूम की बहुत सारी रेसिपीज़, बहुत सारी अलग अलग फैंसी डिशेज बनती है, पर ये सबसे सिंपल सबसे आसान तरीका है मशरूम की सब्जी बनाने का, जो कि आप अपने घर में रोटी चावल पूरी पराठे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं इस तरीके से सब्जी बनाकर मशरूम की। तो प्याज को बस 1-2 मिनट के लिए हल्का सा चलाया है, प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है पहले। और जब 1-2 मिनट ही प्याज भुने तब हम डाल देंगे उसमें इस तरीके से ये कटा हुआ आलू। तो 2 बड़े आलू को छील कर इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में काट कर मैंने डाला है। आप सिर्फ मशरूम की सब्जी भी बना सकते हैं, पर इस तरीके से आलू डालकर बनाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आलू को हमें 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, इतना कि आलू लगभग आधा पक जाए। तो आलू और प्याज को हमें साथ में 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और उसे भी पहले 1 मिनट हम भून लेंगे। जब भी आप लहसुन या अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं तो पहले उसे 1 मिनट के लिए भून लें, उसके बाद सूखा मसाला डालें। इससे लहसुन का कच्चापन निकल जाता है और सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। तो आलू प्याज जब अच्छे से भून गया तब डाला है 1 से 2 चम्मच लहसुन और उसे 1 मिनट के लिए भून लिया। और उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं सभी सूखे मसाले, जैसे कि धनिया, मिर्ची, हल्दी, और 1 चम्मच सब्जी मसाला भी डाला है मैंने इसमें, जिससे कि सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होता है। और सभी मसाले डालने के बाद हम आँच को मीडियम स्लो कर देंगे थोड़ा सा और इसे भूनेंगे। तो अभी तक पानी नहीं डाला है सब मसाले में बिल्कुल भी। मसाले को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद डाल दिया इसमें 2 कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक कर 2-3 मिनट पकने देंगे मीडियम स्लो फ्लेम पर। और टमाटर से जो पानी छूटेगा उसी में ये मसाला हमारा भुनेगा। अब जब आलू, मसाले, सभी चीज़ें अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें डाल देंगे ये कटा हुआ मशरूम। तो जब भी मशरूम की सब्जी बनाए, कभी आप आलू के साथ या बिना आलू के या किसी भी और चीज़ के साथ, तो पहले मसाले को अच्छे से भून लें, उसके बाद ही मशरूम डालें। क्योंकि अगर मशरूम पहले डाल देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पानी छूट जाता है और मसाला सही से नहीं भुनता। तो जैसे भी बना रहे हो तो पहले मसाले को अच्छे से भून लें और उसके बाद मशरूम डालें, और तब भूनते हुए पका लें मशरूम को। तो इसे हम मसाले के साथ फिर से भूनेंगे थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए, और ढक करके पकाएंगे बीच बीच में। तो मशरूम से जो पानी छूटेगा उसी से सब्जी लगभग आधी पक जाती है। तो अभी तक मैंने सब्जी में पानी नहीं डाला है और मशरूम से जो पानी निकला उसी में ये सब्जी भुन रही है अच्छे से। सब्जी में अब डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। नमक भी पहले इसलिए नहीं डाला है क्योंकि पानी ज़्यादा छोड़ देगा मशरूम अगर हम मशरूम डालते ही नमक डाल देते हैं तो। तो जब आलू मसाला भुन जाए तब डाल दिया है मशरूम, और मशरूम को भी थोड़ा सा भून लिया 1-2 मिनट, और उसके बाद डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक। और फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे, और सब्जी लगभग पक चुकी है। तो आप चाहे तो बिल्कुल सूखी सब्जी भी इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि आलू गल चुका है और मशरूम भी पक चुका है। पर हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा ही पानी, क्योंकि थोड़ी लटपटी ग्रेवी वाली मैं सब्जी बना रही हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा सा ही पानी डालने के बाद इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स, और डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच घी, और सभी चीज़ों को कर देते हैं मिक्स, और ढक कर बस 2 मिनट के लिए मीडियम स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये मशरूम की सब्जी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही गज़ब की टेस्टी ये सब्जी बनती है। तो 2 मिनट पकाने के बाद जब ये ढक्कन हटाते हैं तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैल जाती है किचन में, गज़ब की टेस्टी ये सब्जी बनती है। और खुशबू इतनी लाजवाब है कि पूछिए मत। आप बस इस तरीके से बना लीजिए एक बार, बहुत ही गज़ब की टेस्टी ये सब्जी आपकी बनेगी मशरूम की। और इस सब्जी को आप सर्व कीजिए जीरा राइस के साथ, रोटी या पराठे के साथ, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो है ना सबसे सिंपल सबसे आसान तरीका मशरूम की सब्जी बनाने का, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है।
तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और रेसिपी लगी हो अच्छी तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, फेसबुक पे देख रहे हैं तो कीजिए फॉलो या सब्सक्राइब।